आपके लिए बोलती हूँ ना कि मैं प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, तो आज भी मैं कुछ प्रोडक्ट लेकर आई हूँ और गैस करने के लिए नहीं बोलूँगी। सडनली मैं बता रही हूँ आपको कि परफ्यूम और इत्र में क्या फ़र्क होता है। मैं ज़्यादा फ़र्क तो मैं नहीं जानती, पर परफ्यूम की खुशबू कैसी होती है, इत्र की खुशबू कैसी होती है, ये थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ। अगर आप परफ्यूम यूज़ करते हैं तो हमेशा लड़के जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम यूज़ करते हैं, लड़कियाँ भी करती हैं, पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ट्रेन में या फिर मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं और हमारे पास में कोई बैठता है तो परफ्यूम का इतना असर होता है कि या तो उसको स्मेल बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगी बेचारी के, उसके सर में दर्द हो जाएगा। तो हमेशा मेरे अपने ख्याल से, चॉइस वैसे सबकी होती है, मेरे अपने ख्याल से मीडियम परफ्यूम यूज़ करना चाहिए। और इत्र कब यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इत्र, हम मुस्लिम लोग इत्र बहुत यूज़ करते हैं, उसकी खुशबू ही अलग होती है। आपको मैं बता दूँ कि दुबई का एक इत्र है, आपको एक कनॉट प्लेस में मिलेगा, इसकी खुशबू बहुत बहुत अच्छी है। अगर आप इसको लगाने का तरीका भी कैसा होता है, थोड़ा सा आप इसको हल्का सा ऐसे करके और अपने या तो हाथ पर बस ऐसे लगा लें, और या फिर कान के पास थोड़ा सा गले के पास बस 3 बार रब करें। ओह वाओ सुपर, इतनी अच्छी खुशबू होगी कि भाई 100% हो सकता है कि आपके पास, अगर आप किसी के पास बैठे हो और पूछ रहे एक्सक्यूज मी आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है तो इस परफ्यूम का तो बहुत ही अच्छा असर है। और ये दुबई में काफ़ी ज़्यादा इसकी वैरायटी है, लेकिन आपको ये प्रोडक्ट आराम से कनॉट प्लेस में मिल जाएगा। और दूसरा, आप तो जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफ्यूम मार्केट के अंदर है, लेकिन मैं इत्र के फेवर में इसलिए हूँ कि मुझे इत्र की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। दूसरा, ये परफ्यूम है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, इसका नाम है डार्क पर्ल्स। ये आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, और इसकी खुशबू, सीरियसली अगर किसी लड़की ने ये परफ्यूम लगा लिया तो भाई मज़े आने वाले हैं, बहुत अच्छा ये परफ्यूम है। और ओलिफ्रेम का एक छोटा सा परफ्यूम है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। आप इसको ओलिफ्रेम में की कंपनी है, तो बहुत ही लाइट सी इसकी फ्रेग्रेंस है, और जब आप लगाएंगे तो धीमी धीमी सी खुशबू आएगी। इसको मैंने यूज़ किया है, मुझे बहुत पसंद है। और ये भी दुबई का प्रोडक्ट है। अब आप बोलेंगे यार सारा सारा दुबई के प्रोडक्ट हैं आपके पास, ऐसा नहीं है, मेरे पास सभी तरह के परफ्यूम हैं। तो आप ये वक्टरी, अरे है, इसकी खुशबू तो इतनी अच्छी है जैसे बिल्कुल भीनी भीनी, और जैसे बस मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, टू मच, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और ये भी परफ्यूम बच्चे भी इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए भी, अगर जैसे बच्चे बार बार बाथरूम करते हैं ना, और उसके बाद उनको टिश्यू पेपर से उनको क्लीन भी कर दो, या उनको तब भी उनमें से हल्की हल्की स्मेल आती है, तो आप बच्चों को ये परफ्यूम लगा सकते हैं। इसका नाम है गोस्लैन। ये परफ्यूम आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। और हमेशा आपने देखा होगा ना, बच्चों को कोई परफ्यूम लगाता नहीं है, कहते बच्चों को परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए क्योंकि कुछ मतलब नुकसान भी हो सकता है, कि ये बहुत इसकी लाइट सी खुशबू है। और जब आप बच्चों को तैयार करूँगी तो 2 बार इसको पुश करके आप बच्चों को भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं अगर आपको एडवाइस दूँगी तो आप इत्र ज़रूर लगाएं, क्योंकि इत्र की खुशबू से तो बस मज़ा आ जाएगा। फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको इत्र की खुशबू कैसी लगी, और कौन कौन इत्र यूज़ करता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि सारा तो भी इत्र ही यूज़ करती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर लेकर आऊँगी आपके लिए कुछ खास। तब के लिए साइनिंग ऑफ सारा खान, टिल बाय।